सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मौलाना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में पाकिस्तान के मौलाना भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े मौलाना है इंजीनियर मोहम्मद अली, उन्होंने खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस डिबेट शो में पहले मुस्लिम पैनलिस्ट ने नुपुर शर्मा को भड़काया, मुजरिम वो मुसलमान है जिस किसी के धर्म के बारे में लाइव टीवी में उसने बात की, हमें इस पूरे विवाद में पूरे माहौल को देखना होगा। इस तरह का बयान इंजीनियर मौलाना इंजीनियर अली ने दिया है तो बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए बयान पर भारत से लेकर मुस्लिम देशों में बवाल मचा हुआ है। पूरे मामले में नुपुर शर्मा को ही दोषी ठहराया जा रहा है। वहीं बहस में शामिल मुस्लिम पैनलिस्ट तस्लीम अहमद रहमानी को लेकर कोई बहस नहीं हो रही है। इस बीच पाकिस्तान के एक चर्चित मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली ने खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। मौलाना अली ने कहा कि मुस्लिम पैनलिस्ट ने पहले नुपुर शर्मा को भड़काया और इसके जवाब में बीजेपी की निलंबित नेता ने पैगंबर के बारे में टिप्पणी की। आइए सुनते हैं मौलाना अली का बयान। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है और ज्यादातर तो उन्होंने गायब ही कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं, जबकि वो आपके मुखालिफ कोई रिलीजन है। एक तो है कि मैं मुसलमान हूं। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।